गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अगेन वेलकम बैक. राइट, वी आर डिस्कसिंग यूनिट टू ऑफ क्लास 12 अकाउंटेंसी. इट्स बिलोंग टू अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप. राइट, डील्स विद द फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप. तो आज फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को. राइट, चलिए. शुरू करें तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए थे, पहले इसको देखते हैं क्या हम लोग अभी तक पढ़ लिए थे. साहब जी, हम लोग क्या डिस्कस कर लिए थे इसको देखते हैं. हम लोग फंडामेंटल में सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन लिखे थे. डिफिनेशन को भी एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे. राइट, और डिफिनेशन के अंदर जो जो टर्म्स था उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि उसी जो भी टर्मोलॉजी यूज हो रहा है डिफिनेशन में, उसे सीबीएसई क्वेश्चन पूछेगा. राइट, क्लियर. अब आगे चलते हैं. तो हम लोग फंडामेंटल चल रहा था, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना था सर? सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ना था, फिर फीचर्स पढ़ना था, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर पढ़ना था, पार्टनरशिप डीड पढ़ना था, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर पढ़ना था. क्लियर, तो अभी हम लोग डिफिनेशन कॉन्सेप्ट में चल रहे थे. कॉन्सेप्ट देखते हैं. आई चलिए, अच्छा क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए. बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर कंपनी में तो बहुत सारा कंपनी का नाम जानते हैं हम लोग, पार्टनरशिप में नाम ही नहीं पता रहता है. हम लोग चलो तुम्हारे लिए वो भी कर देते हैं. तो पार्टनरशिप में कुछ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप फॉर्म है, इसको आप देख लीजिए, नाम को देख लीजिए. आपको डाउट नहीं रहना चाहिए. A few branding partnership example are listed below. क्या क्या? Red Blue, GoPro, Softian, Uber, Levi's and Pinterest, Maruti, Suzuki, Hindustan Petroleum. These are the firm which continue under partnership firm. Right? और डिटेल आप फिर गूगल से सर्च कर लीजिएगा. हम आगे बढ़ते हैं साहब. हम लोग इसका अकाउंटिंग सीखना है. क्या सीखना है बताओ हम लोग को? अकाउंटिंग सीखना है. राइट, चल. तो कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप सर क्या कॉन्सेप्ट था, देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट था. चलिए, ये देखो दोस्त, साहब जी हम लोग पढ़ रहे थे नंबर वन, चल रहा था डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप चल रहा था. डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप हम लोग डिस्कस कर रहे थे. ये चल रहा था दोस्त, ये हम लोग डिस्कस किए. तो साहब क्या डिस्कस किए एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए. एक बार डिस्कस किए हम लोग. आई एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं साहब. एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4. सर क्या लिखा गया? पार्टनरशिप, ये देखो दोस्त, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन
between two or more person. Between two or more person who have agreed to share profit of the business. Who have agreed to share profit of the business. Right? Carried by all or any any of them acting for all. Acting for all. Right? ये definition act में दिया हुआ है. फिर से छोटी छोटी बातें मैं सिर्फ बता दूं. सारे पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में सब चीज लिखा हुआ था, आप देख लेना. राइट? तो ये देखो, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सर 1932 में ये डेफिनेशन दिया गया. इसका मतलब इसके पहले पार्टनरशिप नहीं था क्या? था. बिफोर इट पार्टनरशिप फॉर्म गवर्न्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. क्लियर? गवर्न्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. आई बात समझ में? ठीक है, अब आगे चलते हैं. सर डिफिनेशन आप बताए थे. हाँ बताए तो थे. तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, ये टर्मोलॉजी डिस्कस किए थे. बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट बिजनेस कैरीड बाय ऑल or any of them acting for all. My dear student, we have already discussed about the relation, about the person, about the agreement, now we're discussing about the share of profit, business, and carried by all and them acting for all. Chaliye, uske bawajood bhi kuch kuch hum log discuss kar lete hain. सबसे पहला रिलेशन, सबसे पहला एक एक लाइन डिफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं. सबसे पहला रिलेशन, आइए नंबर वन, रिलेशन रिलेशन. क्लियर? डिस्कस करें हम लोग. साहब मैं बताया था कि पार्टनरशिप रिलेशन है, तो साहब पार्टनरशिप इज अ रिलेशन. रिलेशन which arises by contract. Relation which arises by contract, that is agreement, valid agreement, valid agreement, not due to status, right? Status के द्वारा जो भी relation होगा वो partnership नहीं कहलाएगा. Sir, status means what? हो सकता है status means what? Like HUF मैं डिस्कस कर दिया था. HUF वहां पे जो मेंबर होते हैं
वहां के जो मेंबर होते हैं आपस में जो रिलेशन है वो पार्टनरशिप का रिलेशन नहीं है, राइट क्लियर। वहां पे जो न्यू बॉर्न आज ही किसी बच्चे चाइल्ड बेबी का बॉर्न हुआ तो फ्रॉम बिगनिंग इटसेल्फ ही इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ दैट फर्म, बट इज नॉट लाइक पार्टनरशिप इन द पार्टनरशिप फर्म। क्लियर ना, ये हमने डिस्कस कर लिया था। चलते आगे फिर, ठीक है। अब सेकंड हम लोग डिस्कस किए थे एग्रीमेंट क्या डिस्कस किए थे, एग्रीमेंट डिस्कस किए थे। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू अ पर्सन, ठीक है, पर्सन डिस्कस किए थे, पर्सन को ही लिख लेते हैं पर्सन, बहुत अच्छा से पढ़े थे पिछले दिन पर्सन्स। तो याद रखिएगा पर्सन्स मींस नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन कॉल्ड एज नेचुरल पर्सन, यू एंड मी, लाइक यू एंड मी, क्लियर, लाइक यू एंड मी। सेकंड कैटेगरी पर्सन मींस कॉम्पिटेंट पर्सन, क्या होना चाहिए कॉम्पिटेंट पर्सन, तो पर्सन मींस कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन। एवरी पर्सन कॉल्ड अ कॉम्पिटेंट पर्सन एक्सेप्ट, एवरी पर्सन कॉल्ड कॉम्पिटेंट पर्सन एक्सेप्ट, राइट, एक्सेप्ट एक्सेप्ट साहब माइनर, एक्सेप्ट माइनर अनसाउंड माइंड डिस्क्वालिफाइड बाय द कोर्ट, discount by any law, clear, ये discuss हो चुका था। next clear, और साहब this definition in section 11 of Indian Contract Act 1872। छोटी छोटी बातें याद कीजिए, फ्यूचर में आपको काम देगा, राइट। अब आगे चलते हैं दोस्त, पर्सन। नाउ थर्ड एग्रीमेंट, सब एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, मैं पढ़ा बताया था आपको, इट कैन बी ओरल, इट कैन बी वर्बल, राइट, इट कैन बी वर्बल और रिटन, राइट। अब ये देखो एग्रीमेंट,
एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए बताइए आप लोग, एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए कमेंट कीजिए। एग्रीमेंट कैन बी कमेंट कीजिए, एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, एग्रीमेंट कैन बी रिटेन। राइट सर, एग्रीमेंट बच्चे बता रहे हैं सर, एग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस एंड कैन बी ओरल। यस नाइस, एग्रीमेंट कैन बी रिटन कैन बी ओरल। तो अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को अपडेट कीजिए थोड़ा सा और देखिए, एग्रीमेंट कैन बी, एग्रीमेंट कैन बी कैन बी एक्सप्रेस, कैसा होना चाहिए बताओ, एक्सप्रेस दैट इज ओरल और रिटन, ओरल और रिटन और इंप्लाइड, और क्या बताओ, इंप्लाइड। और इंप्लाइड राइट, ओरल कैन बी एक्सप्रेस और कैन बी इंप्लाइड। सर एक्सप्रेस मीन्स इट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटन। सर इंप्लाइड के एग्जाम्पल मैं कल दिया था आपको, पिछले वीडियो में दिया था इंप्लाइड के एग्जाम्पल। आप नहीं भी बोलते हैं लेकिन कुछ ऐसा एक्टिविटी करते हैं, आप एग्रीमेंट में इंटर कर जाते हैं राइट। ऑटो का एग्जाम्पल दिए थे, आप ऑटो में जाकर बैठ जाते हैं, हम लोग गांधी चौक पे जाना है, जीएम रोड में जाना है राइट। जैसे आप ऑटो में बैठ जाते हैं, यू इंटर्ड इन एन एग्रीमेंट राइट। अगर आप प्रॉपर पैसा नहीं देंगे तो फिर आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा, क्लियर। अब ये बोल के नहीं बैठ, आप तो बताया नहीं पैसा नहीं, जैसे आप बैठ गए एग्रीमेंट में इंटर कर गए, बिना बोले एग्रीमेंट में इंटर कर गए, क्लियर। नेक्स्ट, अब याद रखिएगा रिटन एग्रीमेंट को हम लोग डिस्कस किए थे, रिटन एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं साहब, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं राइट। जितना डिस्कस किए थे हम लोग, अब आज की पढ़ाई शुरू। अब ये देखो, अब एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन साहब जी, पार्टनरशिप इज डैश ऑप्शन वन एन एग्रीमेंट An agreement B, a contract
relation all of these. चलिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए. पार्टनरशिप इज, इतना पढ़ाने के बाद, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट, अ रिलेशन, ऑल ऑफ दीज. नाइस नाइस, एवरीवन इज गिविंग ग्रुप, एवरीवन गिविंग चॉइस नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज, नाइस. चलिए और कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, गुड आंसर, ऑल ऑफ दीज, बेकूफो, सब पढ़ाई हुआ, चौपट हो गया. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, इज अ रिलेशन, क्लियर. जब तक रिलेशन नहीं बनेगा तब तक एग्रीमेंट नहीं होगा, राइट. पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, लगा हुआ एस एच आई पी सिप, फ्रेंडशिप. तो फ्रेंडशिप इज, फ्रेंडशिप इज एन एग्रीमेंट, नो, इट इज जस्ट अ रिलेशन. तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, क्लियर. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन. चलिए जितने बच्चे गलत आंसर दिए हैं फिर से राइट लिखकर भेजिए आप जल्दी से. सौरभ हेमराम, रोहिणी, अंजलि, निकिता, अंकित, फिर से आपको याद होना चाहिए पार्टनरशिप इज अ रिलेशन. राइट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट, फोर्थ फीचर, पार्टनरशिप बिजनेस. याद रखिएगा, नोट, पार्टनरशिप एग्जिस्ट ओनली फॉर द बिजनेस, नथिंग एल्स. पार्टनरशिप एग्जिस्ट ओनली फॉर द बिजनेस. हियर बिजनेस मींस प्रॉफिट मोटिव, कंटिन्यूस एक्टिविटी, क्लियर. उसके अलावा पार्टनरशिप नहीं हो सकता. तो नंबर वन, बिजनेस. पार्टनरशिप एग्जिस्ट ओनली ओनली फॉर बिजनेस, ओनली फॉर बिजनेस, सिर्फ बिजनेस के लिए एग्जिस्ट करता है, याद रखिएगा. नंबर वन, सब कैसा बिजनेस होना चाहिए, तो सबसे पहले कैसा बिजनेस होना चाहिए सर, तो नंबर वन लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, दैट इज लीगल बिजनेस होना चाहिए, लीगल बिजनेस. सपोज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी मेक अ पार्टनरशिप फॉर किडनैप ऑफ मिस्टर जेड, इज पार्टनरशिप एग्जिस्ट बिटवीन देम? नो सर, क्योंकि लीगल बिजनेस नहीं है. पार्टनरशिप एग्जिस्ट ओनली फॉर द लीगल बिजनेस, क्लियर.
नेक्स्ट साहब बिजनेस इंक्लूड्स बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड प्रोफेशन ट्रेड प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन एंड ऑक्यूपेशन बिजनेस इंक्लूड ट्रेड प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन क्लास 11 के बच्चे थोड़ा सतर्क हो जाइए व्हेन यू आर इन क्लास 11 आपको चैप्टर था नेचर ऑफ द बिजनेस फर्स्ट चैप्टर नेचर ऑफ द बिजनेस उसमें एक कॉम्परेटिव स्टडी होता था डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ठीक है बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट तो वहां पे बिजनेस प्रोफेशन में डिफरेंस होता था यहां पे डिफरेंस नहीं है बिजनेस में ही प्रोफेशन होता है क्लियर राइट हियर बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन साहब बिजनेस कैन बी इन मल्टीपल एक्टिविटीज बिजनेस हम एग्रीमेंट बनाएंगे पार्टनरशिप के लिए उसमें बहुत सारे एक्टिविटी हम कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं मल्टीपल बिजनेस कर सकते हैं बिजनेस कैन बी इन मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटीज राइट क्लियर आगे बढ़ू चलिए आजकल जनरल स्टोर में भी मोबाइल रिचार्ज होता है तो क्या मल्टीपल बिजनेस हुआ इस तरह बिजनेस इंक्लूड्स करता है राइट याद रखिएगा बिजनेस ऑलवेज विथ प्रॉफिट मोटिव बिजनेस हमेशा प्रॉफिट मोटिव्स के ही उद्देश्य से ही होता है क्लियर तो जो भी पार्टनरशिप होगा हमेशा प्रॉफिट के उद्देश्य होगा क्लियर लॉस होगा नो प्रॉब्लम इट इज शेयर्ड बाय द पार्टनर एज पर एग्रीमेंट इट इज शेयर्ड बाय द पार्टनर एज पर एग्रीमेंट क्लियर आगे चलू हां सर यस साहब बिजनेस नॉट इंक्लूड्स बिजनेस नॉट इंक्लूड्स चैरिटेबल religious and social activities clear case study suniye 10 partners 10 person involved 10 person involved in the partnership for doing charitable purpose is it is partnership no sir it is not in the partnership because why charitable purpose partnership include nahi karna hai charitable purpose partnership include nahi karna hum logo
आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, एग्रीमेंट टू कैरी, एग्रीमेंट टू कैरी कैरी बिजनेस इन फ्यूचर, बिजनेस इन फ्यूचर इज नॉट called not comes under partnership. ठीक, अगर आप agreement करते हैं कि future में business करेंगे और आज बोलते नहीं हम लोग को पार्टनरशिप हो गया, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. क्लियर? जब तक बिजनेस होता नहीं है तब तक हम लोग पार्टनरशिप बोल नहीं सकते. क्लियर? नेक्स्ट, शेयरिंग रेंट, शेयरिंग रेंट ऑफ ज्वाइंट ओनर, शेयरिंग रेंट फ्रॉम, रेंट फ्रॉम ज्वाइंट ओनर of property. ठीक है, सपोज मिस्टर ए एंड मिस्टर वाई कंबाइन देयर कैपिटल 5 lakh, 5 lakh, 10 lakh एंड परचेज अ प्रॉपर्टी एंड दे लेट आउट द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ मंथ शेयर द रेंट. इज देयर इज अ पार्टनरशिप? नो, इट इज नॉट अ पार्टनरशिप. ठीक है, दिस इज called co-ownership. Co-ownership. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Co-ownership बोलेंगे, partners नहीं बोलेंगे. सर क्यों partners नहीं बोलेंगे? अभी discuss करेंगे हम लोग. तब तक के जान लीजिए partner के बीच में अभी active business activity हो ही नहीं रहा है. तब तक अभी जान लीजिए business activity नहीं हो रहा है. हाँ, right answer क्या है? अभी सीखेंगे हम लोग. There is no mutual agency between them. वो लोगों के बीच में mutual agency नहीं है. अभी discuss करेंगे हम लोग. Clear? Next. चलिए screenshot ले लीजिए. Last point. फिर से देख लीजिए. Sharing rent of the joint ownership property is not called partnership. ठीक है, अगर दो पर्सन मिलकर एक प्रॉपर्टी परचेस करते हैं और जो भी वहां से किराया मिलता आपस में शेयर कर लेते हैं, क्या यह पार्टनरशिप है? नहीं, यह पार्टनरशिप नहीं है. क्योंकि इसमें रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रहा है, म्यूचुअल एजेंसी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है. म्यूचुअल एजेंसी प्रेजेंट, म्यूचुअल एजेंसी एलिमेंट क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. चलिए, दीपक कुमार अग्रवाल, क्लियर? इस पॉइंट को एग्रीमेंट टू कैरी बिजनेस इन फ्यूचर, बिजनेस इन फ्यूचर, बिजनेस इन फ्यूचर
in future is not comes, not comes under, not comes under partnership. फ्यूचर में बिजनेस करेंगे और आज एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्या ये पार्टनर्स एग्रीमेंट होगा? नहीं, ये पार्टनर्स एग्रीमेंट नहीं होगा जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, टिल इट इज नॉट कॉल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट. राइट, क्लियर दीपक? फ्यूचर में बिजनेस करना है, 2025 में बिजनेस करना है, आज एग्रीमेंट बना लिए हैं, क्या उसको पार्टनर्स एग्रीमेंट बोलेंगे? नहीं, बिजनेस कैरीड नहीं हो रहा है इसीलिए. चलिए नेक्स्ट. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एक बार फिर से देख लीजिए. बिजनेस देख लेते हैं. पार्टनरशिप एग्जिस्ट ओनली फॉर बिजनेस. पार्टनरशिप एग्जिस्ट ओनली फॉर द बिजनेस. आगे चलते हैं. बिजनेस मींस लॉफुल बिजनेस होना चाहिए. बिजनेस इन लॉफुल बिजनेस होना चाहिए. बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन. नेक्स्ट. बिजनेस कैन बी इन मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटी. यस, आप मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन पार्टनरशिप. बिजनेस ऑलवेज विथ प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए. बिजनेस नॉट इंक्लूड्स चैरिटेबल, चैरिटेबल, फिर रिलीजियस, फिर सोशल. इंक्लूड नहीं करना है, पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे हम लोग. नेक्स्ट. एग्रीमेंट टू कैरी फ्यूचर बिजनेस नॉट कम्स अंडर पार्टनरशिप. शेयरिंग रेंट ऑफ फ्रॉम ज्वाइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, from the joint owner of the property, not comes under partnership. Clear? चलिए next. Fifth feature. Sharing profit. Sharing profit. Yes. Sharing profit. Clear? ये देखिए. शेयरिंग प्रॉफिट, पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट इज एन एसेंशियल, is an essential essential element of partnership. Clear? Sharing profit is an essential element of partnership. ठीक है, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर लोगों को प्रॉफिट मिलना चाहिए, फर्स्ट थिंग. अगर पार्टनरशिप में अगर पार्टनर है आप, तो आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए, सबसे पहला चीज.
क्लियर। अब देखते हैं आगे, फिर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड एज पर एग्रीमेंट, एज पर एग्रीमेंट। प्रॉफिट लॉस को जैसे एग्रीमेंट हुआ है उसी रेशियो में बांटेंगे। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड एज पर एग्रीड रेशियो, एज पर एग्रीड रेशियो। नोट, एक नोट देख लीजिएगा। नोट, इफ नॉट एग्रीड, अगर एग्रीड नहीं है, इफ नॉट एग्रीड देन इक्वली, तब कैसे बांटेंगे हम लोग? इक्वली बांटेंगे। अगर एग्री नहीं है तब कैसे बांटेंगे हम लोग? इक्वली बांटेंगे। साहब सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे जब पार्टनरशिप पढ़ेंगे, तो 13B, सेक्शन 13B, राइट। आगे बढ़ू? हां सर, बढ़िए। नेक्स्ट, थर्ड, थर्ड कॉन्सेप्ट अबाउट द प्रॉफिट, थर्ड कॉन्सेप्ट अबाउट द प्रॉफिट। क्लियर? थर्ड कॉन्सेप्ट अबाउट द प्रॉफिट। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर्स शेयर द लॉसेस, शेयर द लॉसेस। ये कोई जरूरी है कि सारे पार्टनर लॉस को बांटेंगे ही बांटेंगे? हो सकता है ऐसा एग्रीमेंट है, अब कंसर्न पार्टनर एग्जेम्प्ट फॉर शेयरिंग द लॉसेस, ऐसा होता है पार्टनरशिप में। क्लियर? ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर प्रॉफिट को तो बांटेंगे, ये जरूरी है। सारे पार्टनर प्रॉफिट को बांटेंगे ये जरूरी है, एक्सेप्ट नॉमिनल पार्टनर, डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन सारे पार्टनर लॉस को बांटेंगे ये कोई जरूरी नहीं है। फिर से, सारे पार्टनर को प्रॉफिट बांटना जरूरी है, लेकिन सारे पार्टनर को लॉस बांटना जरूरी नहीं है। अ पार्टनर कैन एग्जेम्प्ट फॉर शेयरिंग द लॉसेस। नहीं आ रही बात समझ में? ये देखो, ये देख लो, देख लो। एक एग्जांपल देख लो, शेयर ऑफ प्रॉफिट स्लैश लॉसेस। पार्टनर कैन शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस। पार्टनर प्रॉफिट भी बांट सकता है, लॉस को भी बांट सकता है, राइट। सेकंड, पार्टनर कैन शेयर ओनली प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट को बांटेगा, प्रॉफिट को, सिर्फ वो प्रॉफिट को बांटेगा। हां, ऐसा हो सकता है। पार्टनर कैन शेयर
ओनली लॉस, सिर्फ लॉस को बांटेगा? नो. फिर पार्टनरशिप बनाया क्यों? वो पार्टनरशिप बनाया क्यों थर्ड केस में, सिर्फ लॉस को बांटेगा? इट नॉट पॉसिबल. ऐसा पार्टनरशिप होता है जहां प्रॉफिट लॉस दोनों पार्टनर बांटते, ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म होता है जहां सिर्फ प्रॉफिट पार्टनर बांटता है. क्लियर? इसको और अच्छे से देख लेते हैं, और अच्छे से देख लेते हैं दोस्त, अच्छे से देख लेते हैं, देखना बहुत जरूरी है. देखिए ये, देखिए समझ लेते हैं. ए बी सी, देखिए पहला कंडीशन, तीनों प्रॉफिट को भी बांट रहे हैं, लॉस को भी बांट रहे हैं, प्रॉफिट को भी बांट रहे हैं, लॉस को भी बांट रहे हैं, प्रॉफिट को भी बांट रहे हैं, लॉस को भी बांट रहे हैं. सर इट इज पॉसिबल? यस 100% पॉसिबल. सर पॉसिबल? यस पॉसिबल. सब कोई प्रॉफिट को बांट रहा है, हो सकता है ये दो लॉस को बांटे, सिर्फ प्रॉफिट को बांटे, ऐसा पॉसिबल है? हां सर पॉसिबल. सर ये प्रॉफिट लॉस को बांट रहा है, ये प्रॉफिट लॉस को, सिर्फ लॉस को बांट रहा है, ही इज पार्टनर फॉर शेयरिंग ओनली लॉस. नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. क्लियर? तो हम लोग क्या सीखे? ऐसा पार्टनर होता है जहां प्रॉफिट को प्रॉफिट लॉस दोनों बांटता है, ऐसा पार्टनर होता है सिर्फ प्रॉफिट को बांटता है, ऐसा पार्टनर होता है सिर्फ लॉस को बांटता है, नहीं होता है. यस क्लियर? तो शेयरिंग प्रॉफिट इज एन एसेंशियल एलिमेंट, शेयरिंग प्रॉफिट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप. क्लियर? तो नोट लिख देते हैं. तो लिखा ही गया नोट. क्लियर? नोट तो ही गया. चलो नेक्स्ट, फोर्थ. फोर्थ फोर्थ शेयरिंग प्रॉफिट, शेयरिंग प्रॉफिट इज नॉट, शेयरिंग प्रॉफिट इज नॉट ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप. शेयरिंग प्रॉफिट इज नॉट ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप. मैं अभी बताया आपको प्रॉफिट बांटना कंपलसरी है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि कंसर्न पर्सन को उस फॉर्म से प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है तो ही एम सी कॉल्ड अ पार्टनर. ही एम सी कॉल्ड अ पार्टनर, ये कोई जरूरी नहीं है. सर एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल लीजिए आप, एग्जाम्पल लीजिए. नंबर वन, एग्जाम्पल दीजिए सर. नंबर वन क्वेश्चन में लिखा हुआ है शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय मैनेजर्स और एम्प्लॉइज. व्हाट एम्प्लॉइज? क्वेश्चन में लिखा रहेगा मैनेजर विल गेट 10% प्रॉफिट, मैनेजर विल गेट 10% प्रॉफिट
अच्छा वन फिफ्थ ऑफ प्रॉफिट, इट मीन्स व्हाट? मैनेजर इट वन फिफ्थ ऑफ प्रॉफिट, कैन मैनेजर कॉल्ड पार्टनर? नो. सपोज सेल्समैन गेटिंग 10% ऑफ सेल्स एज अ प्रॉफिट, क्या सेल्समैन कॉल्ड अ पार्टनर? नो. सर समझ में आया? समझ में आया. यानी ये प्रॉफिट पार्टनर सब पार्टनर को जरूरी है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसको हम प्रॉफिट दो पार्टनर ही होगा. राइट. सेकंड, मनी लैंडर. मनी लैंडर्स, सपोज आप किससे मनी लिए हैं, उसको इंटरेस्ट आपको पे करना है, और एग्रीमेंट ये भी बन गया कि इंटरेस्ट तो फिक्स रहेगा आपका, इंटरेस्ट तो इतना देना है, प्लस हम प्रॉफिट का 10% भी लेंगे, प्रॉफिट का 10% भी लेंगे. क्या मनी लैंडर को पार्टनर बोल देंगे हम? नहीं सर, ही एंड सी कॉल नॉट अ पार्टनर. नेक्स्ट, थर्ड, सेल ऑफ गुडविल. सपोज आप अपना बिजनेस सेल करते हैं, और क्या एग्रीमेंट होता है? परचेज कंसीडरेशन दे दिया साहब आपका 10 लाख का, और साथ में यह भी एग्रीमेंट हो गया कि अगला 5 साल तक जो भी प्रॉफिट होगा, अगला 5 साल तक जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5% 10% हमको दिया जाएगा. फॉर व्हाट पर्पस? फॉर गुडविल पर्पस. हमारा गुडविल इतना था बिजनेस में, हम अपना बिजनेस को सेल कर दिए, जब आप बिजनेस को परचेस कर लीजिएगा तो हमारे गुडविल पे अभी आपको 5 साल तक फायदा होगा, तो इसलिए प्रॉफिट का हमको 10% चाहिए 5 साल तक. तो क्या सेल ऑफ द बिजनेस, सेल ऑफ द गुडविल कॉल पार्टनर? नो सर, नो सर. क्लियर? आगे चले. नेक्स्ट, चौथा, रिटायरिंग पार्टनर. रिटायरिंग पार्टनर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो अपना कैपिटल का पैसा सारा टोटल करके ले लेगा, कैपिटल कैपिटल रिटर्न बैक मिल जाएगा. अगर कैपिटल छोड़ देता है, कैपिटल नहीं लेता है वहां से, फिर बोलते ठीक है आप कैपिटल रखिए, हमको 1/5 10% हमको हिस्सा दे दीजिएगा, तो क्या रिटर्न वाला जो पार्टनर कहलाएगा? नहीं सर. टिल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, उसको तो पैसा इंटरेस्ट मिलेगा उधर से, बोलते नहीं इंटरेस्ट नहीं दीजिए हमको, आप प्रॉफिट का हिस्सा दे दीजिए. And if firm agreed to pay him the share of profit, he and she called a partner, retiring partner called a partner? No, sir. Next, sellers. Legal representative of deceased partner. Deceased partner. Same in the case of retirement. Same. और किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का सेटलमेंट अभी तक नहीं होता है, और एग्रीमेंट यह बन जाता है ठीक है आपको प्रॉफिट का हिस्सा देते रहेंगे, जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाता है, क्या ही एंड सी कॉल्ड अ पार्टनर? नो, इन बिग वर्ड नो. क्लियर? हम उसको पार्टनर नहीं बोल सकते. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट माइनर. यस, माइनर कैन बी द पार्टनर, बट ही कैन नॉट स्टार्ट द पार्टनर. ही एंड सी कैन एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ फॉर
एज पर सेक्शन सेक्शन 30 एज पर सेक्शन 30 अगर 30 के अनुसार वो पार्टनर बन जाता है और प्रॉफिट को बांटता है तो क्या वो पार्टनर कहलाएगा? नहीं सर, टिल ही इज अ माइनर ही इज नॉट कॉल्ड अ लीगल पार्टनर, ही इज नॉट कॉल्ड अ लीगल पार्टनर। ठीक है, तब तक उसको हम लीगल पार्टनर नहीं बोलेंगे। ही सी नॉट कॉल्ड अ लीगल पार्टनर नहीं बोलेंगे। राइट, डिस्कशन थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, उबना नहीं है, उबना नहीं है। 12th क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, प्लीज उबना नहीं है, सीखना हम लोग को। राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट फीचर फिर से एक बार देख ले, क्या क्या हम लोग डिस्कस किए। शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग प्रॉफिट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। गुड, प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड एज पर एग्रीड रेशियो। नोट, इफ नॉट एग्रीड देन इक्वली, सेक्शन 313B। गुड, इट इज नॉट नेसेसरी ऑल पार्टनर शेयर लॉसेस। ये कोई जरूरी कि पार्टनर सब लॉस को ही बांटेगा। देयर इज सर्टेन लिमिटेशन दैट अ पार्टनर कैन एग्जेम्प्ट फ्रॉम शेयरिंग द लॉसेस। ऐसा हो सकता है कि आप लॉस को मत बांटिए, लॉस को मत बांटिए। पार्टनर कैन शेयर प्रॉफिट और लॉस, यस। पार्टनर कैन शेयर द प्रॉफिट ऑल्सो। पार्टनर कैन शेयर ओनली लॉस, नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, प्रॉफिट, शेयरिंग प्रॉफिट इज नॉट टू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। शेयरिंग प्रॉफिट इज नॉट टू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, क्लियर? शेयरिंग प्रॉफिट इज नॉट टू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, राइट? तो साहब, आप बुक पढ़ोगे अच्छे से तो आप एक वर्ड मिलेगा, क्या वर्ड मिलेगा सर? दैट इज इंपॉर्टेंट डिस्कशन, दैट इज एक वर्ड मिलेगा ऑल्सो कॉल्ड Also called, क्या लिखा है पढ़िए, प्रीमा also called प्रीमा इविडेंस versus इविडेंस इविडेंस। ठीक है, एक नंबर पर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रीमा फेसेस इविडेंस, इस मींस शेयरिंग प्रॉफिट इज नॉट टू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। शेयरिंग प्रॉफिट इज नॉट टू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। नेक्स्ट, सिक्स, कैरीड बाय ऑल, कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल,
acting for all. और साबिसी को हम लोग बोलेंगे म्यूचुअल एजेंसी. क्या बोलेंगे? म्यूचुअल एजेंसी. क्लियर? साहब ये दिया हुआ है सेक्शन 18 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932. अब सर मेरे को समझाइए, ये कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ द थिंग फॉर ऑल ऑल और म्यूचुअल एनसीसी को बोलेंगे सर क्या होता है? सर म्यूचुअल एनसी मींस, अभी सीख लीजिए पहले, म्यूचुअल एनसी मींस पार्टनर, पार्टनर्स आर कॉल्ड बोथ एजेंट एज वेल एन एजेंट एंड पार्टनर्स आर कॉल्ड बोथ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल. राइट सर, समझाइए थोड़ा सा, समझाइए, अभी समझाते हैं. साहब बिजनेस तीनों मिलकर चलाएंगे, 50 पार्ट मैक्सिमम, 50 लिमिट 50, 50 पार्टनर मिलकर चलाएंगे, अदरवाइज वो 50 के बदला कोई एक चला सकता है. ठीक है, आप नहीं है बिजनेस में, दूसरा पार्टनर उसको चला रहा है, इसका मतलब उसके एक्ट से आप भी बंधे हुए हैं. सपोज ए बी सी आर पार्टनर, ए बी सी आर पार्टनर, ओनली ए इज अ सेलिंग द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ, सिर्फ प्रॉफिट हुआ तीनों बांटेगा, लॉस हुआ सिर्फ ए बांटेगा, नहीं, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ तीनों बांटेगा, लॉस हुआ तीनों बांटेगा. क्लियर? इसका मतलब कैरीड बाय और ऑन एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. और कोई अकेला काम भी कर रहा है कोई पार्टनर, उसके एक्ट से वो भी पार्टनर बंधे हुए हैं. ठीक है, तो साहब एन एजेंट मींस, इधर देखिए दोस्त, सर एजेंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है देख लीजिए. एन एजेंट एंड एजेंट मींस, एजेंट मींस एक्ट, एक्ट ऑफ वन पार्टनर, एक्ट ऑफ वन पार्टनर बाइंड द अदर्स, बाइंड द अदर पार्टनर्स. पार्टनर्स तीन पार्टनर ए बी सी, ए काम कर रहा है, ए कोई एक्ट कर रहा है, तो बी और सी भी उससे बंधे हुए हैं. ये नहीं, बी और सी नहीं बोल सकते, हम तो नहीं प्रेजेंट, नहीं, आप बंधे हुए हैं. साहब अ प्रिंसिपल मतलब, प्रिंसिपल मतलब अ पार्टनर, अ पार्टनर इज बाउंड बाय एक्ट of other partners, act of other partners. आप बंधे हुए, दूसरा कोई पार्टनर काम कर रहा, आप नहीं काम कर रहे, आप उसके बंधे हुए. क्लियर?
दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी. एजेंट मतलब क्या होता है, किसी से प्रिंसिपल के लिए काम करना. म्यूचुअल एजेंसी मतलब इट इज अ रिलेशन व्हाट पार्टनर्स आर बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल. ठीक है, देयर इज एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशन. प्रिंसिपल रिलेशन, प्रिंसिपल रिलेशन. क्लियर? जो काम करेगा एजेंट कहलाएगा, जो नहीं काम करेगा प्रिंसिपल कहलाएगा. लेकिन आप नहीं काम कर रहे हैं तो भी आप पार्टनर हैं, वो काम कर रहा है तो भी वो पार्टनर है. कल के दिन बी काम करना शुरू कर दिया, ए और सी बैठा हुआ है, तो बी कॉल एन एजेंट, बी और सी कॉल एज ए प्रिंसिपल. एक्ट ऑफ बी बाइंड द अदर पार्टनर, दैट इज बी एंड ए एंड सी, एंड ए एंड सी इज कॉल्ड प्रिंसिपल बिकॉज ही इज बाउंडेड बाय द एक्ट ऑफ बी. क्लियर? चलिए इसको और अच्छे से देख लेते हैं हम एक बार. और अच्छे से देख लेते हैं हम लोग. When X does act, when Y does act, when Z does act. Clear? Who is principal? अब बताओ फॉर्म किसका है? एक्स वाई जेड का. फॉर्म किसका है बताओ? एक्स वाई जेड का. अब बताओ काम कौन कर रहा है? एक्स. तो एजेंट कौन हो गया? एक्स. ये क्या हो गया? प्रिंसिपल. काम कौन कर रहा है? वाई. तो प्रिंसिपल कौन हो गया? एक्स एंड जेड. काम कौन कर रहा है? जेड. तो एजेंट कौन हो गया? एजेंट. प्रिंसिपल कौन हो गया? एक्स एंड वाई. लिसन, एक्ट ऑफ एक्स बाइंड द वाई एंड जेड. वाई एंड जेड बाउंडेड बाय द एक्ट ऑफ एक्स. आई बात? चले फिर से देखिए. एक्ट ऑफ वाई बाइंड द एक्ट ऑफ वाई बाइंड द एक्स एंड जेड, एंड एक्स एंड जेड इज बाउंडेड बाय द एक्ट ऑफ वाई. क्लियर? एक्ट ऑफ जेड बाइंड द एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई इज बाउंडेड बाय द एक्ट ऑफ व्हाट? जेड. क्लियर? आई बात समझ में? कोई डाउट?
नो सर। अब आगे चलते हैं, चलिए एक किस और पढ़ लीजिए इसी में। When X and Y does act, मतलब X and Y agent, Z क्या हो जाएगा? Principal. Z क्या हो जाएगा? दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों गेट से ही अकेला बंदा, वो आप याद रखिए। चलिए सेवन essential feature. Liability of a partner. Liability of the partner. Clear? सुन लीजिएगा। Liability of the partner, clear? देख लीजिए, the partner remain individually. Remain individually or jointly responsible for the third party liability. Third party liability. Sir, what it means? इसका मतलब क्या होता है? Suppose third party की liability 50,000, तीनों मिलकर दे दीजिए, और उसमें से एक पार्ट नहीं दे पा रहा है, हो सकता है इंसॉल्वेंट हो जाए, तब दोनों को मिलकर देना पड़ेगा। उसमें से भी दूसरा पार्टनर भी नहीं दे पा रहा है, आपको अकेले देना पड़ेगा, आपको अकेले देखना पड़ेगा, आपको पर्सनल कैपेसिटी पे आपको पे करना पड़ेगा। इसका मतलब लायबिलिटी तीनों मिलके देंगे, हो सकता है आपको अकेले देना पड़ेगा। इट मींस व्हाट? सो द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर is unlimited. तो liability क्या होता है? Unlimited होता है। तीनों मिलके दिया ठीक है, अगर नहीं दिया तो उसका liability आप लोग पे add हो गया, तो liability limited नहीं होता है। आपको jointly देना पड़ सकता है, आपको individually देना पड़ सकता है। कहां से देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस प्रॉपर्टी, देन आफ्टर पर्सनल प्रॉपर्टी। तो नोट एक याद कर लेंगे, एक नोट देख लेंगे। नोट, पर्सनल प्रॉपर्टी of the partner can be utilized for payment of firm debt after
repayment of its private debt. Private debt. ठीक है, यानी घर का संपत्ति प्राइवेट डेट से ज्यादा होता है तो आप उस संपत्ति को यूटिलाइज कर सकते हैं. क्लियर? सो द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड. राइट, जितना आप देख लेंगे. अगले क्लास में इसी फीचर से हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे. सीबीएसई मॉक ड्यूटी क्वेश्चन क्या पूछता है अगले क्लास में हम लोग देखेंगे. ठीक है, और हम लोग डिसाइड किए हैं कि हम लोग टेस्ट भी लें. राइट, हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग टेस्ट भी लें. फॉर दैट जो भी हमारा एक्सपर्ट है, टेक्निकल एक्सपर्ट है, दे हैव प्रिपेयर्ड अ व्हाट्सएप, दे हैव प्रिपेयर्ड अ स्पेशल एप्स फॉर द टेस्ट पर्पस. इस एप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है, कोड सबका दिया हुआ है, यहां देखिए इकोनॉमिक्स का भी दिया हुआ है और अकाउंट्स का भी दिया हुआ है, आप देख रहे हैं. उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा. ठीक है, पैसे के बारे में नहीं सोचना है, रजिस्ट्रेशन में तो पैसा लगेगा, वो ठीक है, पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, हम लोग टेस्ट लेते हैं फिर देखेंगे. क्लियर? जब तक वीडियो यूट्यूब में है कोई दिक्कत नहीं है, जब प्राइवेट होगा तो फिर पैसा पे करना पड़ेगा, अभी कोई जरूरत नहीं है. राइट, चलिए कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे. विश यू गुड टाइम.